प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी, यहाँ उपस्थित अफजल शमशी जी, हमारे प्रवक्ता अशोक भट्ट जी, राजू मिश्रा जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए बुलाई है क्योंकि कांग्रेस के सम्मानित नेता श्री राहुल गांधी जी को, ऐसे तो वह बहुत मंदिरों में दर्शन करते हैं जब भी चुनाव आता है, लेकिन हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि उन्हें गीता की प्रति भेंट की जाए, जिससे कि वह हिंदू के समाज के बारे में और हिंदुत्व के बारे में कुछ जान सके। 3 दिन पहले उनका बयान आया था कि हिंदू धर्म तो ठीक है पर हिंदुत्व गलत है। अब यह वही बात हुई कि सोनिया गांधी जी मेरी माता हैं लेकिन मातृत्व उनको नहीं रखना चाहिए। हिंदू होने के भाव को हिंदुत्व कहते हैं, माता होने के भाव को मातृत्व कहते हैं। अगर सोनिया जी में मातृत्व का भाव नहीं रहता तो राहुल जी जैसे व्यक्ति को कांग्रेस का वह अध्यक्ष और सांसद 100 वर्षों में नहीं बनाती। लेकिन सोनिया जी में मातृत्व है, सोनिया जी में माता होने का भाव है और इसीलिए सोनिया जी राहुल गांधी जी को इतना आगे बढ़ाती हैं। तो उसी प्रकार हिंदू ठीक है पर हिंदू होने का भाव नहीं रखते, और यह कांग्रेस की पूरी एक साजिश है। यह 4 दिनों में जो कुछ भी हो रहा है वो इत्तेफाक नहीं है। जो सलमान खुर्शीद जी ने तुलना की आरएसएस की बोको हराम के साथ और आईसिस के साथ, जो राशिद अलवी जी ने यह कहा कि जय श्री राम राक्षसों की भाषा वो है, जो राहुल गांधी जी तो शुरू से बोलते रहे हैं, अगर आप 2009 में उनका याद रखें तो 2009 में उन्होंने अमरीकी राजदूत को बोला था कि इस देश को आतंकियों से खतरा नहीं है, हिंदुओं से खतरा। इस तरह की बातें अनर्गल प्रलाप करना, और वह विश्व में मैं तो कहता हूं कि एकमात्र जनेऊधारी ब्राह्मण है जिनका बिना उपनयन संस्कार किए हुए जनेऊ पहन लिए, वरना दुनिया में कोई ऐसा, हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि एक ज्ञान की परंपरा रहती है और जो उसका उपनयन होता है चाहे वह आर्य समाज से हो चाहे सनातन विधि से हो, पर उपनयन के बाद ही जनेऊ पहनते हैं। लेकिन हम लोग को अचानक एक रात रात पता चला कि राहुल गांधी जी जनेऊधारी ब्राह्मण हो गए। खैर जो बने, हिंदू धर्म तो ऐसा धर्म है कि हम सभी को अपनाते हैं, जो मंदिर जाता है वह भी हिंदू है, जो नहीं जाता है वह हिंदू है, जो व्यक्ति कहता है वह हिंदू है उसको हम मानते हैं हिंदू, भले उसकी माता ईसाई हो पिता पारसी हो तो भी अगर कोई हिंदू बोलता है। लेकिन जब आप हिंदू हैं तो थोड़ा हिंदुत्व का ज्ञान आपको होना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने निर्णय लिया है कि हम गीता को उनको देंगे कि भागवत गीता पढ़ करके कुछ उनको ज्ञान आ जाए, चूंकि भागवत गीता की जो ओरिजिनल पुस्तक है वह काफी बड़ी है, इसीलिए हम लोग कहे कि अगर यह पढ़ सके तो वह पढ़ ले। यह भागवत गीता उनको हम यह भागवत गीता हम लोग उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि वह हिंदू के बारे में और हिंदुत्व के बारे में कुछ तो जानकारी रखे। हिंदुत्व और हिंदू को अलग करना, वही मैंने कहा कि जैसे वह कहें कि सोनिया जी मेरी माता है पर सोनिया जी के पास मातृत्व का कोई भाव नहीं है। मातृत्व का मतलब होता है कि माता का भाव रखना, हिंदुत्व का मतलब होता है कि हिंदू के का भाव रखना। अगर कोई मनुष्य कोई हिंदू अगर है वह हिंदू का भाव नहीं रखे, यही राहुल गांधी चाहते हैं, जो कि इस देश के विरुद्ध बहुत बड़ी साजिश है कि हाँ आप हिंदू तो रहिए पर हिंदू तो हिंदू का भाव मत रखिए, यह वह इस देश के हिंदुओं से अपेक्षा रखते हैं। जिन्ना को बता रहे स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस की गलतियों के कारण वह पाकिस्तान के लिए तो जरूर है। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उसी पर है। वीडियो वायरल किया गया कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उस पर एमएचए ने कहा है कि फर्जी वीडियो है और वहां के धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए वायरल किया जा रहा है। देखिए यह एक पूरी साजिश है। यह सही बात है कि पहले एक हिंदू धर्म स्थल के साथ को क्षति की गई,
उसके बाद एक और अल्पसंख्यक स्थल को भी क्षति की गई, एक छोटी सी। यह सही है कि दोनों धर्मों के एक एक धर्म स्थल को क्षति पहुंचाई गई थी और तुरंत प्रशासन ने संज्ञान लेकर उसके प्रति कार्रवाई की, पर उसको लेकर के एक पूरी साजिश के तहत महाराष्ट्र में जो हुआ है वह यह बताता है कि कांग्रेस का जहां जहां भी शासन रहेगा वहां किस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। कंगना रनौत ने कहा है कि 2014 के बाद कृपया कर पूरा एक तो पढ़िए, और मैं राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में टिप्पणी करना चाहूंगा और राजनीतिक व्यक्तियों पर ही मैं अपने ध्यान को रखना चाहूंगा। कोई फिल्म का अभिनेता अभिनेत्री चाहे कोई क्या बोलता है इसके लिए मैं कंसर्न हूं। उनको पद्मश्री का सम्मान सिनेमा में काम करने के लिए दिया है, समाज सेवा के लिए नहीं दिया या राजनीतिक इतिहास के लिए। वो रामविलास पासवान जी या मृदुला सिन्हा जी या तरुण गोगोई की जी की तरह नहीं मिला। कोई अगर अभी अच्छा अभिनय करता है उसको पुरस्कार मिलता है, कोई अच्छा खेलता है उसको भी पद्मश्री पुरस्कार मिलता है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति क्या बोलते हैं उसके लिए, कोई सिनेमा में काम करने वाला क्या बोल रहा है इस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। जिनको कोई काम नहीं है वह लोग सोचते हैं कि सिनेमा के हीरो हीरोइन के बारे में बोलने से उनको भी माइलेज मिल जाएगा। जितनी भी घटनाएं घटी हैं सभी में अपराधियों को पनिशमेंट हुआ है। आप उठा करके पिछले 50 घटनाओं में देख लीजिए, कोई ऐसा अपराध घटना बिहार में नहीं घटती है जिन पर अपराधियों को नहीं रहता हो। पर वह भी हम लोगों ने समय देखा है जब मुख्यमंत्री आवास से फोन जाता था कि तुमने अपहरणकर्ता को क्यों छुड़ा लिया, अभी तो उसके साथ डील फाइनल होने वाली थी। यह भी एक बिहार की आज से 15 साल पूर्व की हकीकत है।